नज़ाकत और नफाजत का शहर लखनऊ, जो जाना जाता है अपनी खूबसूरत शाम के लिए। और एक और चीज जिसके लिए लखनऊ वर्ल्ड फेमस है, वो है कपड़े पर चिकन का वर्क। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या, और आज हम आए हैं अस्मा जी के पास चिकन के वर्क को समझने के लिए कि चिकन की शुरुआत कहाँ से हुई और अब चिकन एज अ ब्रांड कितना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। अस्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चिकन को लेकर के आम आदमी के मन में यही चीज़ होती है कि हाँ, चिकन लखनऊ का बड़ा फेमस है, चिकन के कुर्ते जो कि गर्मी में बहुत राहत देते हैं, चिकन की कारीगरी जो कि काफ़ी कहेंगे आप दशकों नहीं सालों सदियों से अब अभी तक चलती चली आ रही है और अब तक ब्रांड के रूप में उभर करके सामने आई है। एक आम दर्शक के लिहाज से समझना चाहेंगे, चिकन की कारीगरी शुरू कैसे हुई थी और धीरे धीरे कैसे ब्रांड बनी? चिकन की कारीगरी ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। मोस्टली ये मुस्लिम कल्चर में आता है चिकन का, तो इसको नूरजहाँ लेके आई थी लखनऊ में, जो थोड़ा थोड़ा घर में काम करती थी बैठ के, तो उससे कुछ लड़कियों ने उस इंस्पायर होकर उनसे सीखा, तो कुछ बनाना सीखा, तो धीरे धीरे चिकन लोगों के फैशन में आने लगा, लोगों को पसंद आया, तो घर घर उसकी कढ़ाई होने लगी, तो ये लड़कियों ने अपने घर बैठे एक हुनर भी मिल गया उनको और एक काम भी मिल गया। चिकन के जैसे बहुत पुराने वर्क बोले जाएंगे, पहले जिस तरह की कढ़ाई चलती थी, बहुत ज़्यादा हाथ का काम, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मशीन का वर्क आ गया है, लेकिन चिकन शायद अभी भी एक ऐसी कारीगरी रह गई है जो पूरी तरीके से हाथ से होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कला सहेजी गई है। एक आप बड़ी उपलब्धि मानती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, चिकन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे वक्त बदलता गया चिकन में चेंजेस आते गए। पहले कॉटन पे ही चिकन होता था, अब हर तरह के फैब्रिक पे चिकन आता है, वेस्टर्न में भी चिकन आ गया है, हर चीज़ में चिकन आ गया, तो हर तरह के फैब्रिक पे चिकन आ गया, तो उससे चेंजेस जैसे समय को देखते देखते उसमें बदलाव आने लगे। आप काफ़ी साल से चिकन के साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे इस बात को भी समझना चाहेंगे, जैसे चिकन के वर्क पहले सिर्फ कॉटन में होते थे, अब चिकन के वर्क जॉर्जेट, शिफॉन और सारी चीज़ों में भी आने लगे, इसके साथ ही चिकन लखनऊ से बाहर निकल के न सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत बल्कि दुनिया की शान बना, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चिकन तो अब हर जगह पसंद किया जाने लगा। चिकन एक्चुअली में हाथ से बनता है, तो इसकी लोग कॉपी भी नहीं कर सकते, मशीन से चिकन नहीं बन सकता, हाथ से ही बनता है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो लेडीज़ ही इसको बनाती हैं ज़्यादातर, और लेडीज़ का ही काम है, घर बैठे उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, अपना करती हैं, उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं चिकन पे, लेकिन चिकन का काम घर घर लेडीज़ करती हैं। अच्छा, एक अगर हम थोड़ी सी बात व्यापार के पक्ष से करें, तो इस बात को लेकर के बहुत बार इस चीज़ को बोला गया है कि जितना एक कारीगर मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो चिकन की कढ़ाई पे ही बंद होती है एक सूट को बनने में, हालांकि प्रोसेस बहुत सारे होते हैं छापे के, कटिंग के। आपको लगता है जिसे कारीगरों को उसके हिसाब से पेमेंट या अपने हुनर के हिसाब से ब्रांडिंग उन्हें भी मिल पाती है या नहीं? चिकन में जितनी मेहनत है उस हिसाब से लेबर को वर्क उसकी नहीं मिल पाती। अगर हम उस वर्क पर डे के हिसाब से जोड़ेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पीस की, तो ये एक पार्ट टाइम जॉब में ही आता है। इस पर लोग जैसे लड़कियां घर में काम करती हैं, तो उससे उनका घर का खर्च नहीं चलता, सिर्फ उनके शौक पूरे होते हैं उस, तो कंटिन्यू उसके ऊपर पूरा दिन वो काम नहीं करते हैं, दो चार घंटा काम किया, फिर अपना घर का काम किया, फिर थोड़ा सा बनाया, फिर अपना घर का काम किया। और जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव पीस होते हैं वो सेंटर्स में बनते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉफिट उन लोगों को हो जाता है। इस बात पे भी थोड़ा सा नाश करने वाला है, आप चिकन के ही काम से जुड़ी हुई हैं और चिकन इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड है और हमारी राज्य सरकार की तरफ से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी लखनऊ की तरफ से शामिल है, इस बात को लेकर के गर्व होता है कि ना सिर्फ यहाँ पर कुर्ते सिले जाते हैं बल्कि चिकन के उस काम को सहेज रखा है जो पुरानी सदियों से परंपरा रही है हमारी। चिकन का काम तो काफ़ी टाइम से काफ़ी पुराना काम है, जिसको हम लोगों ने एक नया रूप दे दिया है चिकन के काम को, तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको काम भी मिल रहा है, और जिसके जिससे हम लोग उसको बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता चला जाता है, स्टिचिंग से लेके स्टिचिंग, प्रिंटिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी से लेके सबको इससे काम मिलता रहता है, तो उनके घर भी अपने चलते हैं और हमारा चिकन भी निरंतर चलता रहेगा। ऑन एन एवरेज अगर एक डिज़ाइनर पीस होता है, कुर्ता बनने से लेकर के शोरूम तक पहुंचने में कितने उसके प्राइसेस में चेंज हो जाते हैं? प्राइसेस में एक्चुअली में इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें 9 प्रोसेस होते हैं कम से, स्टिचिंग से लेके और वॉशिंग तक, ये पीस कई घर जाके तब जाके तैयार होता है। कुछ
कुछ लोग इन हाउस भी करते हैं, कुछ लोग अपना बाहर से बनवाते हैं, तो ज़्यादातर ये विलेजेस में ही काम होता है। तो इससे लड़कियों को भी रोज़गार मिलता है और उनका काम चलता रहता है। जैसे आपने कहा लड़कियां पहले घर में इस काम को करती थी, अब इस काम को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है। आपने अगर हम आपसे पूछना चाहें आज से करीब 10 से 15 साल पहले और अब तक चिकन के काम में कितना बढ़ावा आया है, कितना परसेंटेज बढ़ गया है चिकन का काम? चिकन काम पहले को देखते अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बाहर तक जाने लगा है, हमारा एक्सपोर्ट में भी ये चिकन आने लगा है और बाहर के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने लखनऊ से भी ज़्यादा बाहर के लोग इसको पसंद करते हैं और बाकी और शहरों में भी हर जगह चिकन पसंद कर जाने लगा। प्रोडक्शन लेकिन लखनऊ में ही होता है सिर्फ, जो कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, चिकन के हम आपसे और भी प्रोसेस समझना चाहेंगे, चिकन की कढ़ाई भी देखना चाहेंगे, जहाँ चिकन की कढ़ाई की जाती है आपके अंदर बहुत सारे कारीगर हैं, चले हम उनके पास, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर। हाँ जी, आप देख सकते हैं काम, देख लिए काम बन रहा है। आइए दर्शकों चलते हैं और चिकन के काम जहाँ पर हो रहे हैं, जो चिकन की कढ़ाई को करती हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं चल करके। कढ़ाई में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कपड़े पर छापा करने का। हालांकि हम यहाँ बाद में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी छापा कैसे किया जाता है कपड़े पर ये आपको दिखाते हैं और छापा कितना जरूरी होता है ये भी आपको बताते हैं। हम बात करते हैं, आप कपड़ों पर ये इस तरह से छापा पहले दिया जा रहा है, इसके बाद इस कपड़े पर कढ़ाई होगी, ये जो छापा होता है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कितनी ज़रूरत होती है और इसके बाद ये कपड़ा कहाँ कहाँ जाता है? ये इम्पोर्टेंट इसकी इसलिए क्योंकि चिकन अभी यहीं से शुरू होगा ना, इस पे जो है ये जो ब्लॉक है, ये देखिए आप देखिए कैमरे में दिखाइए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी ये वुडन ब्लॉक है, इसको महीन महीन कलम से बनाया जाता है। उसके बाद फिर इससे जो छापेंगे तो जो लेडीज जो वर्क बनाएगी वो इसी पे तो बनाएगी, इसी के आधार पे तो चलेगी, ऐसे इम्पोर्टेंट इसी के तो मेन इम्पोर्टेंट है ना, उसमें वर्क बनाएगी किस पे वो, ये भी तो है, उसको एक मैप तो देना है, तो ये इसलिए मैं न्यू खड़ी कर रहे हैं, इस पे अब चिकन की बिल्डिंग खड़ी होगी। अच्छा, ये भी कि ये छापा करने का जो काम है इसमें कितना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि थोड़ी भी ऊंच नीच ना हो जाए वरना कपड़ा खराब हो जाएगा, कितनी मेहनत लगती है इसमें? मैम मेहनत क्या है इसमें, हम मान के चलो 5-6 साल जब हम लोग ट्रेनिंग तौर पे सीखते हैं, जैसे एक खानदानी वर्क जैसे अपने लखनऊ के हैं उसमें भी ये काम उसी में आता है मान के चलिए, तो इसमें तो मान के चलिए हम लोगों ने जो जिंदगी खपा दी समझ लो, तब जाके एक ट्रेनिंग तैयार होती है कि हम लोग एक परफेक्ट कारीगर हो गए, तो इसके लिए कोई मेहनत की कोई एक मतलब मीटर तो हम आपको बता ही नहीं सकते कितनी मेहनत लगेगी, वो आप खुद ही देख रही हैं सामने। बहुत मेहनत और बारीकी का काम है ये हम समझ रहे हैं। अच्छा, हर कपड़ों की जैसे डिजाइन भी अलग अलग होती है, जैसे शेरवानी से लेकर के अगर आप अनारकली सूट तक की बात करें, हर कपड़े की डिजाइन और हर कपड़े का छापा अलग अलग होता है, क्या कस्टमर्स की डिमांड भी अलग अलग होती है, उनके हिसाब से छापा होता है? वो तो मार्केट के हिसाब से वो चीज, हम लोग भाई हर लाइन में कॉम्पिटिशन होती है, तो इसमें भी डिजाइनिंग की कॉम्पिटिशन होती है, तो उस कॉम्पिटिशन के आधार पे हम लोग को भी चलना पड़ता है, तो बस जितना हर लाइन को चलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उससे थोड़ी सी हमको ज्यादा, क्योंकि इसमें तो 12-13 कारीगर होते हैं, दूसरे कामों में होता क्या है कि 2-3-4 कारीगरों में ही काम हो जाता, हमारे में तो 12-13 कारीगर लगते हैं, आप समझो कि एक जो मैनेजमेंट इसको संभालता होगा वो कितना दिमाग फ्रैक्चर करता होगा, तो 13 कारीगरों को 14 कारीगरों को मैनेज करता होगा कि एक ही पीस पे काम करना है, पहले उन्होंने किया दोबारा फिर दूसरे कारीगर ने किया, उसने कारीगर किया, तो ये मान के साल 6 महीने साल भर तो लग जाता है एक पीस को रनिंग में। अच्छा, एक बात और, ये जो डिजाइन्स हैं तरह तरह के वुडन पे हम डिजाइन्स देख रहे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी डिजाइन है जो पुरानी परंपरागत है और कौन सी ऐसी है जो बदलते वक्त के साथ नई डिजाइन्स आ गई? वो तो मैम मतलब डिजाइन पे डिपेंड करता है, ये कि जो है जिस हिसाब से मार्केट में मांग है, जो चीज चल रहा होगा हम लोग उसी आधार पे वर्क कर लेते हैं, जैसे वेस्टर्न स्टाइल आज आ गया तो वेस्टर्न पे हम लोग थोड़ा सा अथॉरिटी के साथ में वहाँ के जो डिजाइनर है हमारे जो मतलब उनके साथ में डिस्कस करके हम लोग भी थोड़ा सा उसमें हेल्प करके उनकी हेल्प लेके तो उसमें एक सैंपल तैयार किया कराया जाता है। ये जो छापे होते हैं ये जो ब्लू कलर की इंक के साथ करते हैं, ये कच्चे होते हैं, इसके बारे से धुल दिया जाएगा तो ये साफ हो जाएगा? जी जी
हाँ वॉशिंग में चला जाएगा ये। इसके ऊपर जो धागे से एम्ब्रॉयडरी होगी वो थ्रेड रह जाएगा, हमारी प्रिंटिंग वॉशिंग में चली जाएगी। तो दर्शकों, सबसे पहला काम छापा लगने का आपको हम दिखा सकते हैं किस तरह से ये कुर्ता जो है ये रॉ है, इसमें छापा ले लिया गया है और अब ये चिकन की जो कढ़ाई है उसके लिए जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पूरा प्रोसेस जानते हैं कि किस तरह से चिकन का एक पूरा कुर्ता तैयार होता है। दर्शकों, हमारे साथ तरन्नुम और सफिया जी मौजूद हैं जो कि चिकन की कढ़ाई कर रही हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तरन्नुम, आप चिकन की कढ़ाई कर रही हैं, कितनी मेहनत लगती है इस काम को करने में? मेहनत तो काफी लगती है। आप अगर आपसे बोला जाए आप एक दिन में कितने घंटे इस कढ़ाई को देती हैं? हम तो यहाँ पे टाइम पे आते हैं सुबह 9:30 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे तक। अच्छा, अब एक बात और पूछी जाए, इतनी महीन सी सुई है और इसमें आप धागा डाल के कढ़ाई कर रही हैं, आंखों पे भी बहुत जोर पड़ता होगा? जी, मतलब पड़ता है। मेहनत वाला काम आपको ये काफी ज्यादा लगता है। कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? हमें तो 1 साल हो गया। अच्छा, सफिया जी, आप भी इस डिजाइन को बना रही हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको फंदा बोलते हैं। फंदा बोलते जी। और किस किस तरह की डिजाइन होती है? बखिया होती है, घास पत्ती होती है, कील होते हैं, कंगन होते हैं, बिजली होती है, मुर्री होती है, बाल्दा होता है, ये सब बोलते हैं इसको। एक बार में आप बोलें कितने मिनट तक या घंटे तक आप लगातार काम कर पाती हैं? जी वही टाइमिंग ही है 9:30 से 6:30, तो उसी उतने ही घंटे काम होता है। आपकी बात की जाए जैसे लगातार आप आधे घंटे एक घंटे कितने वक्त तक आप इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद कितने वक्त तक एक साथ बना पाती हैं डिजाइन्स? बस ये 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। और आपको भी लगता है जैसे कि आंख पे जोर या हाथ की इतनी महीन सुई से काम, बहुत मेहनत लगती है? जी बहुत मेहनत होती है इसमें। चिकन के काम में काफी तरीके की मतलब कढ़ाई फंदे होते हैं, आपसे भी हमने सुना, बाकी और जो हमने बातचीत की वो भी समझा। आप कितने तरीके के सीख गई हैं? जी मुझे कम से कम 20 तो आती हैं। जी ये एक ही कुर्ता है जिसमें आप दोनों कढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, ये साड़ी है। ये साड़ी है। कितना वक्त लगेगा इसको पूरा करने में? कम से कम 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीने में? 1-1.5 महीने में पूरी साड़ी हो पाएगी, मतलब मेहनत और वक्त दोनों बहुत ज्यादा लग रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, चिकन की इतने सालों की ये यात्रा कैसी रही, चिकनकारी कैसे की जाती है, कितने स्टेप्स इसमें होते हैं, ये सब हम समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज़ आया।
फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर खराब। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी के बारे में हमारी ये यात्रा अभी भी जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चिकन आगे किस किस यात्रा से गुजरता है, चिकनकारी कैसे की जाती है, कितनी मेहनत का काम होता है, ये सब हम जानेंगे। आइए चलते हैं। शको चिकन का ये काम कितना महीन वर्क है आप खुद से समझ सकते हैं। तो जो इस काम को करते होंगे वो कितना ध्यान लगा करके, कितना उस काम में अपना मन लगा करके इसे करते होंगे, ये समझने वाली बात है। तो हमारे साथ यास्मीन जी मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि चिकन का ये काम कर रही हैं, ये कढ़ाई कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यास्मीन जी, कितने साल से आप ये काम कर रही हैं चिकन का? 7 साल से। ये छोटी सी जो बूटी आप बना रही हैं या ये बूटियां जो बनी हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने घंटे देती हैं आप? इसमें लगेंगे 10 से 15 मिनट, उसमें लगते हैं 15 से 20 मिनट तक की। बहुत अगर स्पीड है तो 15 मिनट में, वैसे 20 मिनट में बन जाती है। और अगर हम ये कहें कि एक दिन में आप कितने घंटे देती हैं इसको? यहाँ पर तो हम लोग मतलब सैलरी पर हैं, जैसे सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ पे नाप करके काम मिलता है, वहाँ पे घंटे के हिसाब से होता है। यहाँ पर मतलब ड्यूटी के हिसाब से है, सुबह 9 से 6:30 तक। यास्मीन जी, अगर ये पूरा कुर्ता, इसमें जितना भी काम है, ये आपको दिया जाए तो करीब कितने घंटे या कितने दिन में ये पूरा हो पाएगा? अगर हम मतलब 7 से 8 घंटे कंटिन्यू इसको बनाते हैं तो 10 दिन में बन जाएगा। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि चिकन का ये हाथ का काम बहुत मेहनत मांगता है। बहुत मेहनत भी मांगता है, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जो रेगुलर बनाते हैं उनकी एक स्पीड बन जाती है और उनको टाइम से काम दिया जाता है, और जो मतलब घरों में बनाते हैं उनका एक अपना टाइम होता है, जब मन किया बना लिया, जब मन किया रख दिया, ऐसा होता है। तो हम लोगों ने तो मतलब शुरू से ही सेंटर वाला काम किया जो नाप के मिलता है, तो हम लोग की तो आदत ही है बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा ही। अच्छा, चिकन के काम में आपने ये कपड़े को फ्रेम में लगा रखा है, क्या हर जो बूटी या हर जो वर्क होता है सिर्फ फ्रेम में लगा करके ही होता है? नहीं, कोई छोटा मोटा काम हो तो बगैर फ्रेम के भी बन जाता है, जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जो डिजाइन्स हैं, ये बूटियां हैं या क्या चीज है, इन्हें क्या क्या कहते हैं, कितने तरह की डिजाइन्स होती है इसमें? वैसे चिकन में तो 32 मतलब टाके होते हैं, इसमें तो कील है, फंदा है, बखिया है, और बहुत सारे भी टाके होते हैं। मुर्री होती है, कौड़ी होती है, जाली होती है, और बहुत सारे काम होते हैं, कांटे होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। मतलब टाके अलग अलग होते हैं, वो डिज़ाइन बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, चिकन के काम के लिए आपको भी 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में आपने कितना बदलाव देखा है चिकन के काम में, किसी भी चीज़ का? सभी तरीके के काम किए हैं, फाइन भी किए हैं और चालू भी, हमने सभी तरीके का काम किए हैं। चिकन के काम में सबसे ज्यादा वर्क जो आज की डेट में हो रहा है वो कौन से कपड़े पे होता है, किस धागे के साथ होता है? एंकर भी चलता है और रेशम भी चलता है, मतलब जिसको जो जैसा पसंद आए, जिस कपड़े पे जैसा अच्छा लगे। वैसे ज्यादातर तो शुरू से कॉटन पे ही बनता है, लेकिन अब बनने लगा है हर तरीके के कपड़े पे। अच्छा, चिकन के काम में अभी भी सबसे ज्यादा लड़कियां, महिलाएं, वो ही अपने घरों से बैठ के या वही इस कढ़ाई में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। लगता है जितना वो श्रम करती हैं उसके हिसाब से मेहनताना थोड़ा कम उनका है अभी? हाँ, कम तो है, क्योंकि इस काम में जो मेहनत है ये मशीन से नहीं बन सकता। मशीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चिकन नहीं बन सकता मशीन से, क्योंकि हाथ में और मशीन में फ़र्क है ही है। जो पुराने जैसे अनजान इंसान है उनके लिए तो चिकन और मशीन में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हम लोग के लिए तो फ़र्क है ही है। तो इसलिए हैंडवर्क में बहुत मेहनत है और इसके मतलब पैसे अभी उतने नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास कुछ चिकन के कुर्ते
हैं जिनमें चिकन की बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है, अलग अलग धागों से, अलग अलग रंगों से, अलग अलग डिजाइंस। आइए समझने की कोशिश करते हैं आसमा जी से कि ये डिजाइंस कौन कौन सी हैं। आसमा जी, तरह तरह की डिजाइंस हम देख पा रहे हैं, फूल है, एक कैरी की डिजाइन है, ये किस तरह की डिजाइन है? एक्चुअली में चिकन में 36 तरह के स्टिचेस होते हैं, अब मोस्टली सिर्फ 4 या 5 तरह के बनते हैं। पहले 36 के स्टिचेस होते थे। तो ये पीस आप देख रहे हैं सिल्क पे है ये पीस, इसमें शेडो बनी है, शेडो है, फंदा है और कील है, और जिस तरीके से इसमें कई तरह के काम दे रखे हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर हम चिकन को देखें तो उसमें 36 हमको टाके दिखते हैं। तो अब 36 तो पुराने लोग इतना नहीं बनाते हैं, अब तो नई लड़कियां बनाती हैं। तो इसमें सिर्फ 4 या 5 तरह का ही काम होता है। तो जो कि आप देख रहे हैं शेडो है, फंदा है। ये डिजाइन्स की बात करें तो इस एक बूटी को बनाने में करीब कितना वक्त लग जाता है? इस एक बूटी को बनाने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगता है। मतलब एक कारीगर अपने दिन के 8 से 9 घंटे जरूर बिताता होगा इस काम को करने में। 8 से 9 घंटे नहीं, 4 से 5 घंटे बिताता है। घर का काम करने के बाद लड़कियां इसको बनाती हैं। अगर मेहनत की बात करें तो एक पूरा कुर्ता अगर एक कारीगर कर रहा है तो करीब कितने दिन में वो पूरा कर पाएगा? ये बनाने पे डिपेंड होता है। जो लड़की बहुत जल्दी बनाती है वो महीने में पूरा कर देगी, जो थोड़ा ब्रेक लेके बनाती है वो 2 महीने में पूरा करेगी। 2 महीना 3 महीना इस तरह से टाइम लग जाता है इसमें। मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये हाथ की कढ़ाई है, इसलिए धीरे धीरे बनती है, टाइम लगता है। हाँ, इसमें टाइम लगता है। एक एक बूटा बनने में 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है। अगर वो मोटिव बड़ा है तो टाइम लग जाता है। व्हाइट कलर का ये खूबसूरत सा लहंगा जिसपे चिकन का वर्क ऑल ओवर आपको दिख रहा है, इस लहंगे को बनने में कितना ज्यादा वक्त लगा होगा? क्योंकि ये पूरा हाथ का काम है चिकन का, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी मेहनत लगी होगी इसको करने में। ये खूबसूरत सा पीस जो बन करके तैयार हुआ है और अब इसकी फाइनल पैकिंग की जा रही है। वंदना जी इसकी पैकिंग कर रही है, इनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वंदना जी, खूबसूरत सा ये लहंगा है, आपके अंदाज से कितनी मेहनत लगी होगी इसको काम करने में, कितना वक्त लगा होगा? कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है। हाँ, इसको बनाने में, एम्ब्रॉयडरी बनाने में कई लोग लड़कियां मिलके बनाती हैं इसको। जी जी। चिकन का काम किस किस कपड़े पर होता है, किस किस डिजाइन के लिए आता है? कपड़े तो कॉटन पे भी चिकन होता है, विस्कोस है, प्योर है, इन सब पे होता है चिकन का काम। जी, अगर चिकन के डिजाइन की बात करें तो पुरानी डिजाइन कौन कौन सी है, जैसे ये फूल और कैरी हम देख रहे हैं, और नई कौन कौन सी डिजाइन आ गई? ये पुरानी है, नई है, वही है, सब वही कैरी रहती है, वही डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज करके। अब ये आरसी, इसको आरसी बोलते हैं, और ये बूटी, ये बूटा है एक हिसाब से, इसको बूटा ही बोलेंगे, और ये बखिया है, और ये फंदे हैं, ये कील है इसको बोलते हैं, और ये मुकेश वगैरह फर्दी, ये सब मुकेश का काम है। ये जी, ये मुकेश की है। अलग अलग कपड़ों पर रंग बिरंगे रेशम के धागों से ये कलाकारी चिकनकारी कहलाती है। लेकिन हाँ, चिकनकारी का एक और रिश्ता है, वो है हमसे और आपसे सदियों पुराना रिश्ता, इस बात का कि पुरानी परंपरा को हमने आज भी सहेज कर रखा हुआ है, और वो पुरानी परंपरा हमारे अपने शहर लखनऊ की है, जो अब हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुकी है। ऐसे में चिकनकारी और चिकनकारी का तब से लेकर के अब तक अपना वजूद बनाए रखना अपने आप में ही एक विशिष्टता है। कहने को तो ये सिर्फ लखनऊ की कला है, हाथ से की जाती है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसके एक एक टांके, एक एक धागे में उस कारीगर की मेहनत है, उसके आंखों की रोशनी है, उसके हाथों का हुनर है। ऐसे में चिकनकारी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो दर्शकों, हमारा आज का ये खास कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि चिकनकारी को आप तक लाने में, आप तक
आपको समझाने में हम कामयाब रहे होंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि आपको असर जरूर करेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या के न्यूज के लिए। खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रूपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. Lamhe chote se ye zindagi se bhare in haathon mein bhar le aur jee le zara.